ये सही बात है कि एसीआर यदि मंत्री भरता तो निश्चित जब कई जगह डिस्प्यूट हो जाते हैं, सेक्रेटरी मंत्री नहीं सुनते, मंत्री सेक्रेटरी नहीं सुनते, तो सिस्टम सेट होता है। तो सुना आपने मंत्री मुरारी लाल मीना क्या कह रहे हैं। पहले प्रताप सिंह खाचरियावास, दिव्या मदेड़ना, राजेंद्र गुड़ा के बाद अब मंत्री मुरारी लाल मीना ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। तो क्या अब राजस्थान कांग्रेस में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या विधायक और मंत्री ये समझ चुके हैं कि गहलोत के हाथ से सत्ता जाने वाली है? क्या गहलोत सरकार प्रशासन को संभालने में विफल साबित हो रही है? ये तमाम सवाल इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और जिस तरह से गहलोत के मंत्री ही उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये सवाल तो उठने लाजमी है। दरअसल इस वक्त राजस्थान में एसीआर और पावर सेंट्रलाइजेशन को लेकर गहलोत के मंत्रियों के बयान बेहद चर्चा में है। इस मुद्दे पर जब राजस्थान तक के रिपोर्टर ने मंत्री मुरारी लाल मीना से बात की तो उन्होंने पहले तो गहलोत के पक्ष में बात की, उसके बाद उनके दिल का दर्द भी उनकी जुबा पर आ गया। पहले सुनिए कि आखिर मंत्री मुरारी लाल मीना ने क्या कुछ कहा। कल बयान आया था कि पूरी जो शक्तियां हैं वो गहलोत साहब के पास हैं, कांस्टेबल के ट्रांसफर भी गहलोत साहब करते हैं, कितनी आप इस बात से कितने? देखो गहलोत साहब होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर की शक्ति तो गहलोत साहब पास रहेंगी नहीं। क्या मतलब गुड़ा सही कह रहे हैं कि भाई पूरी शक्तियां का केंद्र बिंदु बोल भाई? देखो एक गुड़ा साहब ने जो भी बोला हो सोच के बोला है। गुड़ा साहब आएंगे 13 तारीख को, उनसे पूछ लेना अपने बाद में मूर्तियां धारण के लिए। बाकी सही बोला है उन्होंने, मैं 13 तारीख मूर्तियां धारण ले आएंगे। और एक दूसरा सर एसीआर का चल रहा है कि मंत्री एसीआर भरे या फिर सीएमओ से भरा जाए, ये एक विवाद चल रहा है, क्या आपके ओपिनियन? देखो एसीआर को किसी मेरे को इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये सही बात है कि एसीआर यदि मंत्री भरता तो निश्चित जब कई जगह डिस्प्यूट हो जाते हैं, सेक्रेटरी मंत्री नहीं सुनते, मंत्री सेक्रेटरी नहीं सुनते, तो सिस्टम सेट होता है। तो इसमें तो मैं पक्ष में हूँ कि एसीआर मंत्री द्वारा वेरीफाई होनी चाहिए। मुरारी लाल मीना से पहले मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि राजस्थान में कांस्टेबल का ट्रांसफर भी गहलोत ही करते हैं। प्रश्न आया है इसी अंदर प्रताप सिंह जी खाचरियावास की तरफ से, और उसके बाद में उसमें जो चर्चाएं हुई है सारी की सारी राजस्थान के अंदर, मेरी जानकारी के हिसाब से तो पावर पूरी तरह सेंट्रलाइज है, पूरी तरह जो डीजी को नियुक्ति करते हैं वही कांस्टेबल का ट्रांसफर करते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी लोगों को सीएमआर जाना पड़ता है। तो ये किसकी आईएएस की सीआर भरने की बात कर रहे हैं, सारा पावर एक ही जगह से। इससे पहले प्रताप सिंह खाचरियावास भी राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर सवाल खड़े कर चुके हैं, सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। वो तो इतना सा कह दें यदि महेश जोशी जी मेरे बयान का खंडन कर रहे हैं यदि, तो आप उनसे पूछ लेना वो एसीआर लिख रहे हैं क्या। मेरे अंदाज से महेश जोशी जी एसीआर नहीं लिख रहे हैं, यदि वो लिख रहे होते तो मैं भी लिख रहा होता, तो इसलिए मैं उनकी हर बात का जवाब भी कोई जरूरी नहीं है। यदि वो है तो प्रेस नोट जारी करें लिखित में कि मैं महेश जोशी शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं एसीआर लिखता हूं, वो जारी करें प्रेस में। तो फालतू की बात तो मेरे सब काम हो रहे हैं, तो आपके क्या हो रहे हैं? राजस्थान की पूरी जनता के काम हो रहे हैं, काम मेरे रुक रहे हैं क्या? मैं तो महेश जी के पास नहीं जा रहा कि साहब ऐसा मेरे काम करा दो, मेरे खास हैं वो। लेकिन ये यदि वो ये कहे कि एसीआर वो लिख रहे हैं क्या, एक मिनिस्टर को दूसरे मिनिस्टर की बात नहीं काटनी चाहिए, मैं तो उनके अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। तो ये जो अधिकार एसीआर का मैंने मांगा है, ये कोई मैंने गुनाह नहीं कर दिया? ये कोई अपराध है क्या? एक मिनिस्टर अपने अधिकार की बात कर रहा है, यदि लेटर लिख दिया सीएम को अच्छी बात के लिए, कोई गुनाह नहीं है? बेवजह पलोथन नहीं लगानी चाहिए किसी को भी, इससे कोई नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर तो आप अपने हक की बात, जो आदमी खुद के अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता वो दूसरे को हक दिला ही नहीं सकता। मैं यदि मेरे अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता तो मैं दूसरों के अधिकार दिलवाऊंगा? तो ये सीधी बात बताएं, महेश जोशी जी मेरे से 15-16-17 साल बड़े हैं उम्र में, वो बताएं कि वो लिख रहे हैं क्या एसीआर बस? वो मेरे बड़े भाई हैं, इतना सा जवाब दे, लिख रहे हैं क्या वो एसीआर बस? एक के बाद एक मंत्री गहलोत की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंत्रियों के बयानों से तो ये साफ है कि शायद राजस्थान सरकार में इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति में बेहद दिलचस्प मोड़ देखा जा सकता है। अब राजस्थान की राजनीति क्या मोड़ लेगी ये तो वक्त ही बताएगा।
राजस्थान तक के लिए दौसा से संदीप मीणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।